नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिनभर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। एक दंपति अनगौर से छतरपुर के लिए चले और बीच में उन्होंने लिफ्ट भी ली, लेकिन छतरपुर में उतरने के बाद ऐसे बेसुध रहे कि अपनी बच्ची को उस गाड़ी में ही छोड़ दिया और गाड़ी भी बच्ची को लेकर आगे बढ़ गई। गनीमत ये थी कि वो गाड़ी पुलिस की थी, इसी वजह से लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद बच्ची सकुशल वापस मिल गई। जानकारी के मुताबिक अनगौर के रहने वाले दंपति राम नारायण और उनकी पत्नी और एक बेटी छतरपुर के लिए निकले थे। अनगौर में ही उन्होंने एक पुलिस की एक गाड़ी को हाथ दिया और पुलिस के वाहन ने उस दंपति को बिठा लिया। वाहन रीवा जा रहा था। छतरपुर में आकाशवाणी तिराहे पर दंपति अपने सामान के साथ तो उतर गए, लेकिन बिटिया को गाड़ी में ही रहने दिया। गाड़ी भी वहां से निकल पड़ी। बाद में दंपति द्वारा 100 डायल को फोन किया गया और फिर कुछ मशक्कत के बाद बच्ची को सकुशल सिविल लाइन थाने पहुंचाया गया, जहां से उसे वापस माँ बाप को सौंप दिया गया। क्या नाम है आपका? आप कौन हैं? इनके कितनी बार कह दिया? पापा है। क्या हुआ है? हमारा चश्मा लगा। अरे अनगौर से हम लोग आ रहे थे शादी करके। बिल्कुल अनगौर से आ रहे थे हम। मतलब डबल खंड की गाड़ी मिली तो उसे पुलिस वाले बैठे थे, तो हमने रोक किया। उन्होंने रोका। रोकने के बाद क्या हुआ कि ये बोले कि स्टैंड वहाँ जाना छतरपुर। बोले ठीक है बैठ जाओ। हैं, उनने पैसे भी नहीं लिए, सने के पैसा लिए, कुछ लोगों से लिए थे, हमसे नहीं लिए। तो हम लोग राख खाने के पास में आए तो हमने सोचा कि यार इतनी दूर कैसे गाड़ी निकल गई, स्टैंड तो बहुत दूर है, दिखाई नहीं दो। तो हमने उससे रोका, भैया कहाँ ले जा रहे हैं अंकल? बोले रीवा जा रही। हम कहा हमें उतार दो भैया, जल्दी जल्दी हम उतर गए। तो हमने रास्ता पार करी। रास्ता पार करने के बाद ऑटो रुकवाई। तो जब ये लोग सब बैठने लगे पूरा फैमिली, तो हमने थोड़ी खुशी कहाँ गई, तो बस में निकल गई। तो हमने 100 नंबर फोन लगाया। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। अलीपुरा की निवासी एक महिला को उसके ही परिजनों द्वारा बेधड़क तरीके से पीटा गया। लाठी डंडों से कमरे में बंद करके जहां मारपीट की गई, तो वहीं दूसरी ओर सिर पर कुल्हाड़ी से भी वार किया गया। इसके बाद महिला द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि अगर आरोपी को शाम तक गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो पेट्रोल डालकर आग लगा लेगी। सुधा यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके ही परिवार के जयप्रकाश यादव द्वारा भूसा रखने के लिए ट्रैक्टर हटाने को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई। सुधा यादव के परिजनों ने अलीपुरा थाना प्रभारी बलराम राठौर पर भी आरोप लगाया है कि आरोपी के साथ मिलजुल कर पैसे ले देकर ये पूरे मामले की सेटिंग की गई है। सुधा यादव और परिजनों का कहना है कि यहाँ पर पदस्थ कांस्टेबल वंदना यादव जयप्रकाश यादव जो कि आरोपी है उसकी साली है और इसी वजह से इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई उसके पक्ष में नहीं की जा रही। हम वहाँ अपने बेड़ा में रख गए थे, वहाँ भूसा रखना था हमको, तो हमने कहा कि भैया अपना ट्रैक्टर एक साइड कर लो, हमको भूसा रखना है। बस उसने गाली गलू देने लगा, फिर उसकी माँ आई तो समय आ गई, जय तेरे पास नाम है उसका। वो बोली एक औरत से डर रहा है तू, तो बस वहाँ से वो कुल्हाड़ी से नकड़ियाँ काट रहा था, तो बस दोनों लोग मारपीट करने लगे। बस कुंडी लगा ली, उसे इतना मारा कि बेरहमी से मारा है मेरे को, सर को, मेरे सर में कुल्हाड़ी मारी और फिर डंडे डंडे मारे हैं, हर जगह चोटें खाती उस दिन से। जैसे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस घर में जाती है, पुलिस हमारे घर में निकल जाती है, या फिर कार्रवाई करने की वजह हमको धमकी देती है। अगर आपने ज़्यादा किया तो लेडीज़ पुलिस बुला के आपको अंदर करवा देंगे। एक तरफ से हमारी भाभी का भी 1 साल पहले ऑपरेशन हुए, 3-3 ऑपरेशन हो चुके, दिल्ली से ऑपरेशन कराया इनका, और अब इनको झांसी में हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने बोला दिल्ली ले जाइए इनको। अब दिल्ली में 2-2.5 लाख रुपये कौन लगाएगा? SP साहब लगाएंगे, थाने वाले लगाएंगे, जयप्रकाश लगाएगा, कौन लगाएगा इसके पैसे, कौन देगा इतना? हम न्याय चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। किसने मारा? जयप्रकाश यादव ने मेरी भाभी को मारा है। ये है परिवार के हैं। कारण क्या है? कारण वही घर मैटर का विवाद था, जो बाड़े बाड़े को लेकर कोई मैटर चल रहा था, उसके बारे में झगड़ा हुआ। ठीक है, बातचीत करते, लड़ाई झगड़ा करते, कोई
केस मुकदमा करते हैं। क्या होता है बलराम राठौर जी जो दरोगा जी है अलीपुरा के, उनको उनको लेना देना किया है। वंदना यादव उनकी सपोर्टर है, वंदना यादव जयप्रकाश की साली है, उसने पूरा सपोर्ट किया है। हाँ कॉन्स्टेबल है ये, अलीपुरा की कॉन्स्टेबल है, उनका पैसे का लेन देन हुआ है। और वंदना यादव ने और बलराम राठौर जी ने ये बोला है कि जब तक मैं अलीपुरा थाने में हूँ जयप्रकाश को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है। आप एसपी साहब के पास जाइए, डीएसपी साहब के पास जाइए, आप प्रधानमंत्री के पास जाइए, अगर जितना आप जाएंगे उतना मैं केस को दबाता रहूंगा। मेरे अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे, जो करूंगा मैं करूंगा, मैं अपनी मर्जी से करूंगा, आप लोगों के कहने से अरेस्ट नहीं करूंगा। कार्रवाई नहीं करती, कोई कार्रवाई नहीं करती। जब भी हम कार्रवाई की, हम 8 तारीख को एसपी साहब के पास आए, यहाँ से जाने के बाद पुलिस ने हमारे घर पे छापा मारा। आपका अगला कदम क्या होगा यदि वो कार्रवाई नहीं करती? अगर हमारी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, आज हमें एसपी साहब ने बताया है, बोला है कि अगर शाम तक हम अरेस्ट कर लेंगे उनको, अगर वो अरेस्ट नहीं करेंगे तो हमारा अगला कदम होगा कि कल हम 5 लीटर पेट्रोल ला के और भाभी को जला देंगे, क्योंकि ये तो वैसे भी मरी हुई है। ठीक है, इनके 3-3 ऑपरेशन हो चुके हैं, इनको जिंदा रहने के क्या करेंगे हम? कौन इतना पैसा लगाएगा? 2.5-3 लाख रुपए लगेगा ऑपरेशन में, कौन लगाएगा इनको ऑपरेशन में पैसा? कौन देगा इतना ऑपरेशन पैसा? तो हम इनको यहीं पर जला देंगे, ऐसे बाहर जला देंगे, क्योंकि ठीक है इनको घर में मुजरिम मारे उससे अच्छा है ना हम कानून के सामने मारेंगे, कानून के सामने खुद मर जाएंगे, ताकि कानून की आंखों की पट्टी जो बंधी हुई वो खुल तो जाएगी। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सागर रोड पर रहने वाली एक महिला द्वारा पति और ससुराल जनों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है, 6 माह की गर्भवती और एक बच्ची के साथ अब वो दर दर की ठोकरें खा रही है। सीता साहू ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंप कर कहा है कि ससुराल पक्ष ने मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया है, 6 महीने का गर्भ है और 5 साल की एक बेटी भी है। पूर्व में सिविलाइन थाने में शिकायत करने पर एक बार एएसपी जयराज कुबेर और टीआई विनायक शुक्ला द्वारा पति को समझाइश भी दी गई, लेकिन उसके बाद पति उसके प्रति और भी क्रूर हो गया। लगभग 1 महीने से प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काटने के बावजूद सीता साहू को किसी भी तरह का न्याय नहीं मिल रहा है। ससुर मारते पीटते और घर वाले पूरे जेठ जेठानी सासुर कहते हैं मारना है तो मैं घर में रहोगी तो जान से मार देंगे, जाने देते ना कुछ, पुलिस भी नहीं उनका कुछ कह पा। कहाँ पर रह रही है अभी? आप मायके में थे, मायके में रह रहा 2 महीना से सर, हमारी 5 साल की बच्ची है और हम आप 6 महीने में पेट में बच्चा है, हम क्या कहने बताओ? जब तुम्हें नहीं रखना था तो क्यों हमारी शादी की थी? हैं नहीं रखा फिर बच्चे हम जी कहाँ आए बताओ? हमें घर में रह वो जाना था, हम अपनी बच्चा हम मारे अभी हमें कछु नहीं जाने, हम अब कछु हमने सब कर रहा, पुलिस कछु नहीं कर रही, कोई कछु नहीं कर रहा, हमारे घर वाले तो जो कहते हैं हम घर में रहे तो मार डाल भी है सो उनकी चल जाए था, कहते कह रहे थे हम क्या करें कोर्ट्स में लड़ो, कोर्ट में हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से हम करें बाप मत, इतने सक्षम नहीं है और उनके पास इतना पैसा तो क्यों दे शादी हमारी करते, हमें अपने घर दिलाया जाए, हमें उसी में एक कमरा दिलाया जाए हमारे घर में जैसे भी करके, वैसे नहीं तो सर हम हमें तो अमन ना है, हमने सब कुछ कर लिया, हम कहाँ डाएंगे जी बच्चे, हम अपने कहाँ डाएंगे बताओ, कहाँ जाएंगे, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हम क्या करें बताओ। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। विद्युत मंडल में काम करने वाले एक 50 वर्षीय लाइन मैन की हालत बिगड़ गई है। इस लाइन मैन को सुबह करंट लगने की खबर मिली थी। बताया गया है कि गड़ी मलहरा ओआईसी विद्युत केंद्र में पदस्थ 50 वर्षीय जायद हुसैन जब यहां के बदुआ गांव के समीप एक विद्युत लाइन पर काम कर रहे थे, उसी वक्त लाइन में अचानक करंट आ जाने से वे इस लाइन से झुलस कर नीचे गिर गए। जायद हुसैन की हालत बेहद खराब है और उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां विद्युत विभाग के तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जायद हुसैन को इलाज दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन हालत बिगड़ने के कारण उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। इस मामले में विद्युत विभाग के कई अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं और इस मामले में ये भी जाँच का विषय है कि आखिर कैसे जब एक लाइनमैन बिजली के खंभे पर चढ़कर काम कर रहा था तो अचानक विद्युत की सप्लाई कैसे चालू कर दी गई और कैसे उसे इतना भीषण करंट लगा कि उसकी जान पर बनाई। बहरहाल जायद हुसैन को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है, उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। भाई भाई हम तो थे उस समय लुगासी तरफ, तो हमारे पास फोन पहुंचा हमारे यही साहब का, ध्रुव साहब का, तो हम तत्काल गए वहाँ पर, चूँकि समय लग गया लुगासी वहाँ पहुँचने में,
तो हमें तो कुर्रा के पहले मिर्जा के रास्ते में मिले वो, तो हम सीधा उनको ले गए हॉस्पिटल, वहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट करवाया, वहाँ छतरपुर रेफर करवाया, यहाँ लेके आया सीधे। अभी कहाँ पर लाइन सही कर रहे थे? अभी तो कुछ जानकारी नहीं, अभी तो है पूरी, अभी तो पहुँचा ही, अभी तो पहुँचा ही नहीं मैं वहाँ तक, मैं जा ही नहीं पाया वहाँ तक। तो आपको ये पता है कर्मचारी कहाँ पर काम कर रहा था, किस गाँव में? भाई हमें जानकारी मिली रिलायंस टावर के पास ट्रांसफार्मर है पंप वाला, वहाँ पे काम कर रहे थे कहीं पे। हम तो सीधे इनको लिए, सीधा वहाँ रास्ते से टैक्सी से आ रहे थे रास्ते से, ये इनको लिए हॉस्पिटल में आए, वहाँ से लेके छतरपुर सीधे चले आए। ये तो जांच का विषय बात का है अभी, अब तो पहले वहाँ पे भाई हमारे स्टाफ की पहले जान की हुए, पहले तो पहले उनकी जान बचाए उसके बाद की बात है वो तो। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। छतरपुर के पंडित बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में प्रतिदिन समर कैंप के तहत विभिन्न खेलों में रुचि ले रहे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। पांचवें दिन लगभग 700 बच्चे स्टेडियम पहुंचने लगे हैं। यहां पर खेल एवं युवक कल्याण विभाग के द्वारा लगभग 10 खेलों में बच्चों को पारंगत करने की कोशिश की जा रही है। बच्चे प्रतिदिन यहां पहुंचकर सुबह सुबह विभिन्न खेलों में हिस्सा ले रहे हैं और इन खेलों की बारीकियों को सीख रहे हैं। ये मध्य प्रशासन की एक महती योजना है खेल युवा कल्याण विभाग की, जिसमें ये बच्चों को जो ग्रीष्मकालीन अवकाश होते हैं उसके सभी उपयोग के लिए और खिलाड़ियों का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें हमने यहाँ पर 10 खेलों का आयोजन रखा हुआ है, जूडो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, खो खो, एथलेटिक्स और बैडमिंटन। इसमें आज हमारा ये पाँचवा दिन है और चार दिन के अंदर लगभग 700 के आसपास रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो चुके हैं और अभी संख्या बढ़ती ही जा रही है। और ये उद्देश्य है कि इन खिलाड़ियों को मार्गदर्शन दें, इनको एक मंच प्रदान करें ताकि इनको स्वास्थ्य का लाभ भी मिले और खेल में ये आगे बढ़े। इस मामले में स्थानीय लोगों का कहना है, जो स्टेडियम में पहुंच रहे हैं उनका कहना है कि छतरपुर में आयोजित होने वाले सालाना ग्रीष्मकालीन खेल शिविर के दौरान बच्चों को मानसिक और शारीरिक विकास करने का मौका मिलता है। इस खेल शिविर का लाभ छतरपुर के विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण तरीके से मिल रहा है। देखिए, जो ये ग्रीष्मकालीन जो चल रहा है हमारा ये समर कैंप जी, इसमें हमारे अभद्रा जी ने इतने इवेंट्स रखे हैं बच्चों को कि उनके शरीर का पूरा, जितने शरीर के जॉइंट्स हैं सारे फंक्शन करते हैं। और ये भले ही एक वर्ष एक साल बाद लगता है गर्मी की गर्मी में, लेकिन जो एक माह में होता है बच्चा बिल्कुल फिट कर देते हैं। तो उसका उद्देश्य हमारा ये है कि प्रत्येक बच्चे को स्वास्थ्य लाभ हो, सारी एक्सरसाइज उसकी हो, शरीर उसका फंक्शन करे। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। सरकार समर्थन मूल्य पर किसानों का अनाज विभिन्न खरीदी केंद्रों के माध्यम से खरीद तो रही है, लेकिन किसानों को सही समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है। छतरपुर में लगभग 80 खरीद केंद्र बनाए गए हैं जहां पर सरकार समर्थन मूल्य के साथ किसानों का अनाज खरीद रही है। सरकार ने इस वर्ष 1840 रुपए की दर से किसानों के अनाज खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी। मार्च से शुरू हुई इस प्रक्रिया के तहत प्रतिदिन लगभग 10,000 क्विंटल अनाज खरीदा जा रहा है जिले भर में, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जिन्हें समय पर पैसा नहीं मिल पा रहा है। कर्री से आए कुछ किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक शिकायती आवेदन दिया और ये बताया कि उन्हें लगभग 10 दिन के बाद भी भुगतान नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शादियों का सीजन चल रहा है, कई किसानों की बेटियों की शादियां हैं लेकिन उन्हें समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है। इस मामले में छतरपुर एडीएम ने ज्ञापन लिया है और उन्होंने संबंधित लोगों को कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। परेशानी ये है कि गल्ला डाला था, गेहूँ डाला था, तो उसका अब तक पैसे नहीं आया, 15 दिन से ऊपर हो गया। किस खरीदी केंद्र में डाला था? कर्री। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये है कि शादी विवाह की बात है, पैसे मिल नहीं रहे हैं, परेशानी है। घर में किसी शादी? अरे बच्चे की शादी है, भतीजी की, जरूरत है, शादी है तो पैसा चाहिए, तो वो तो चाहिए। फिर परेशानी सर इस बात की है कि पैसा नहीं हमारा डल रहा है खातों में। किस चीज का पैसा नहीं? गेहूँ का पैसा नहीं डल रहा है। पैसे के लिए गए, मतलब हम लोगों ने 30 तारीख को गेहूँ डले थे। हमारी बात समिति प्रबंधक से की है तो वो बता रहे हैं कि भैया हम डाल रहे हैं, वो पैसे आ ही नहीं रहा, ऊपर से नहीं आ रहा पैसा। वो तो हमसे जी भूल रहे हैं कि पैसा ऊपर से नहीं आ रहा है। अब आवेदन देने के लिए जिला महोदय कलेक्टर साहब के पास आई हुई है। अब परेशानी के लिए तो जो शादी विवाह है उनमें भी परेशानियाँ, जैसे चाहिए मतलब पैसे तो लिए, पैसे है ही नहीं हम लोगों के पास में। अब लापरवाही सी तो है ही है, जब यह पैसा नहीं मिलता है, लिख के देते हैं कि 24 घंटे के अंदर पैसा आ जाएगा,
और पैसा तो हम लोगों को 12-13 दिन भी हो गया है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। छतरपुर के सिंचाई कॉलोनी इलाके से एक गोली चलने की घटना सामने आ रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सिंचाई कॉलोनी में रहने वाले शेख मोहम्मद के घर में किराए से रहने वाले एक युवक मोहम्मद मुस्तकीम ने पुलिस को सूचना देकर बताया है कि उसके घर में खजुराहो से आए शिवा रैकवार की गोली लगने से मौत हो गई है। इस मामले में शिवा रैकवार को 108 एम्बुलेंस से पहले जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी। प्रारंभिक जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक शिवा रैकवार खजुराहो का निवासी एक युवक है जो अपने साथ कट्टा लेकर छतरपुर में रहने वाले मुस्तकीम के घर पर उसे कट्टा दिखाने पहुंचा था। जिस दौरान ये आपस में कट्टा देख रहे थे उसी दौरान उससे फायर हो गया और गोली शिवा रैकवार के पेट में लग गई। इस वारदात के दौरान शिवा रैकवार का खून अत्यधिक मात्रा में बह गया और उसने दम तोड़ दिया। जब ये घटना हुई उसके तुरंत बाद मोहल्ले के लोग और उस घर में रहने वाले उसके दोस्त घबरा गए और उन्होंने इसकी सूचना पहले डायल 100 और 108 एम्बुलेंस को दी और उसके बाद सिविल लाइन पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शव बरामद किया और उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जाँच कर रही है कि आखिर ये गोली कैसे चली। यहीं पे किराए पे रहते थे, शेख मोहम्मद के मकान में सिंचाई कॉलोनी के पीछे है। वो सेवा आया था, रूम पे आ गया था, किसी मतलब भाई का वगैरह कॉल कॉन्टेक्ट हुआ हुआ तो वो आया था, तो रूम पे आया थोड़ी देर, उसने बैठा कर पानी पीवा, तो मैं पानी पिवाया। पानी पिवाने के बाद वो थोड़ी यानी कुछ कट्टा वगैरह लिए होता, कुछ जो कुछ लिए होता, उसने निकाला ऐसा दिखा रहा कि भाई हम कट्टा लेकर आए थे वो, तो हमने कि भाई काहे के लिए, हम बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, काहे के लिए लेकर आए, तो बोल रहा कि जे वो, तो हमने कहा भाई अब रख लो तुम जाओ, कह हम थोड़ी देर सो लें फिर चले जाएँगे, तो हम लेट ना, थोड़ी आराम करना है और खाना पीना वगैरह खाना, तो हमने खाना पीना तो कुछ बनाया नहीं है, बस जो रखा तो खा लो, तो फिर ठीक है फिर लेट जाओ, हम लेट जाओ जाने कुछ, हमने अपने लैपटॉप में काम करना है, बबल कर लेने लगे, लैपटॉप चलाने लगे, वो कुछ जाने क्या चला रहा था, वो कट्टा वगैरह चला, तो पता नहीं क्या क्या सा हुआ, तो एकदम धमाके की आवाज़ आई, तो हमने जब देखा तो उसके लग गई थी गोली वगैरह, तो खून ने कहा, तो हमने हाथ से दवाया उसे, फिर थोड़ी देर भैया को पहले फ़ोन लगाया, तो भैया कहीं बाहर निकल गए थे, फिर इसके बाद हमने एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया, तो एम्बुलेंस वाले आए, तो जब तक एम्बुलेंस वाले आए थोड़ा टाइम हो गया, घंटा वर्क मतलब आधे घंटे मतलब करीब हो गया एम्बुलेंस को टाइम हो गई, तो फिर उसके बाद डेथ हो गई। ये शिवा रैकवार नाम का एक बारक है, ये अपने खजुराहो का रहने वाला है, यहाँ अपने दोस्तों से मिलने आया था, तो अपने दोस्तों के अनुसार ये कट्टा लिया था, उनको दिखा रहा था, इतने में कट्टा चल गया तो उसके स्वयं कई बाई तरफ पसली के ऊपर लग गया, क्योंकि जैसे उसकी मृत्यु हो गई, दोस्तों ने पहले 108 को खबर करी, फिर थाने में सूचना दी, अब उसके माँ बाप को बुलाया जा रहा है, पंचनामे कार्रवाई की जाएगी, अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि उसने खुद के हाथों चल गई, फिर बाकी जाँच में तो चलेगा। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल के रिजल्ट बुधवार को 11 बजे घोषित किए जाएंगे। इसके पूर्व डीओ ने छात्र छात्राओं से अपील की है कि परीक्षा परिणाम उनके अनुकूल न आने पर वे किसी भी तरह के अवसाद से ग्रस्त ना हों, क्योंकि इसके बाद भी कई रास्ते हैं, रुक जाना नहीं, जैसी तमाम योजनाओं के चलते वे आगे बढ़ सकते हैं और उनका साल भी बर्बाद नहीं होगा। गौरतलब है कि परीक्षा परिणाम उनके अनुकूल ना आने पर कई छात्र डिप्रेशन में चले जाते हैं और गलत राह की ओर मुड़ जाते हैं। इन बातों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने पेरेंट्स से भी अपील की है कि वे अपने छात्रों को अपनी नज़र के सामने रखें और उन्हें समझाएं कि ये उनकी ज़िंदगी का कोई बड़ा पड़ाव नहीं है और ज़िंदगी में और भी बहुत सारे मौके आगे मिलते रहेंगे। कल बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित हो रहा है, तो अभी इसके पहले CBSE का भी रिजल्ट घोषित हुआ है, तो ये विद्यार्थियों के लिए बड़ा वैसी विषय रहता है कि जो विद्यार्थी सफल नहीं हो पाते हैं वो मायूस हो जाते हैं, तो हमारा इस अवसर पे ये कहना होगा कि कोई भी विद्यार्थी निराश ना हो और ये परीक्षा तो हर पग पग पे हर कार्य की परीक्षा होती है, तो ये केवल एकेडमिक परीक्षा है और उनकी हमने कैरियर काउंसलिंग करके भी मना स्थिति ऐसी बनाई है कि ये सफलता असफलता लगी रहती है और रुक जाना नहीं, मैं भी इनको ऐसे ऐसे अवसर हैं कि उनकी कोई साल ख़राब नहीं होगी,
तो अगर जो इसमें रुकते भी हैं तो रुक जाना नहीं, मैं अपना आवेदन करके और अपने आप पास हो जाएंगे, तो किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है और इसको एंजॉय करके परीक्षा फल का आनंद ले और अपना किसी प्रकार की ऐसी निराशा में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो अपनी स्थिति को उत्पन्न करे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पिछले कुछ महीनों से आधार कार्ड ना बनने की वजह से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल स्कूलों में भी प्रवेश के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत महसूस की जा रही है और यही वजह है कि लोग तहसील, नगरपालिका और जगह जगह आधार कार्ड के लिए भटक रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड ना बनने की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है यार, नगर पालिका आते हो कहते लोकसभा केंद्र चले जाओ, लोकसभा केंद्र वालों के पास गए तो बोले यार कोई मशीनें नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है इतने बड़े जिले में, कलेक्टर साहब से आप जाके बात कीजिए। बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, आधार कार्ड में जो सुधार करवाया था तो वो अपलोड नहीं हो पा रहा है, बिना आधार कार्ड के कोई एडमिशन नहीं हो रहा है। वहाँ पर जो है स्कूल वाले भी परेशान कर रहे, वो कह रहे कि भाई आधार कार्ड बच्चे का लाओ जब ही एडमिशन कर पाएंगे। ऐसे हज़ारों लोग परेशान हो रहे हैं, लोकसभा केंद्र गए थे बोले 100 लोग कम से कम अभी सुबह से अभी तक आ चुके हैं और कोई मशीन नहीं है तो किसी का आधार कार्ड नहीं मिल पा रहा है। नगर पालिका आए थे तो नगर पालिका वाले बोले कि यहाँ पर नहीं बैठते, पहले बैठते थे, कम से कम 10 बार नगर पालिका आ चुके, फिर बोले लोकसभा केंद्र चले जाओ, तो लोकसभा केंद्र गए बोले 100 लोग कम से कम घूम गए हैं भैया, कोई मशीन नहीं है जिले में। यहाँ पर नगर पालिका में आए हैं आधार कार्ड बनवाने के लिए तो वे कह रहे थे अब बनबू बंद हैं, बोले तहसील चले जाओ, सोते भी कात के बंद हैं, अब वो बच्चा को करवाने एडमिशन अब कैसे करवाएं। खबर दिन भर में आप देख रहे थे, दिन भर की खबरें, जिले भर की खबरें लगातार देखने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।